पति के गर्दन में टांग रख कर बीवी ने की करवा चौथ की पूजा। लोग बोले, पिछले जन्म में चमगादड़ थी क्या? इस करवा चौथ की वीडियो ने दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। ये एक महिला द्वारा अपने पति के साथ करवा चौथ के दौरान किए गए एक अद्भुत और अनोखे स्टंट को दिखलाता है। करवा चौथ का त्योहार हिंदू महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है। इस पावन दिन पर सुहागन महिलाएं व्रत करती है और अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ये व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि एक महिला अपनी छत पर चांद देख रही थी। वह एक छलनी लेकर अपने पति के साथ अनुष्ठान करने के लिए जा रही थी। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा तब आता है जब महिला अचानक अपने पति की जांघ से कूद जाती है। अपने दूसरे पैर का यूज सपोर्ट के लिए उसकी गर्दन को पकड़ने के लिए करती है। हालांकि वीडियो बहुत हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये तो करवा चौथ का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी भी महिला के लिए करवा चौथ बेहद ही अभावनात्मक व्रत है। पत्नी पूरे दिन निर्जल रहती है ताकि पति की आयु बढ़ सके। इंटरनेट पर वीडियो काफी चौंकाने वाला है। वह जब अपने पति की जांघ से कूदती है तो सभी हैरान रह गए। ऐसा वीडियो बेहद ही कम देखने को मिलता है। ये वीडियो कई सवाल उठाता है कि ऐसा स्टंट कैसे कर पाई है। शालू जिम्नास्टिक हैंडल ने इस वीडियो को शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है कि भारतीय महिलाएं दुर्जय हैं। इसमें 118 मिलियन व्यूज और 2.3 मिलियन लाइक्स हासिल कर लिए हैं। कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है। एक यूजर ने कमेंट किया है, ये एक रिवर्स वीडियो है, जबकि एक अन्य यूजर्स ने मजाक में लिखा है कि ये कोई रिवर्स वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। हालांकि कई यूजर्स ने ऐसी गतिविधियों के लिए महिला की आलोचना की है। एक अन्य यूजर ने ये भी लिखा है, कुछ शर्म करो, ये कैसी पूजा है। हालांकि कई यूजर्स ने वीडियो को हंसते हुए ट्रोल किया है। इंटरनेट इस तरह के वीडियो से भरा हुआ है जो अक्सर लोगों का ध्यान खींचते हैं। एक यूजर ने मजाक में लिखा है, पिछले जन्म में चमगादड़ थी क्या। सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे आमतौर पर सुहागिन महिलाएं मनाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं इस दिन कठिन व्रत का पालन करती है और विधिवत पूजा अर्चना करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति की लंबी उम्र और सुरक्षा होती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर इस साल के करवा चौथ के पूजा समय की बात करें तो शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक के बीच होगी। वहीं इस दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इस साल का चंद्रमा खास है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये रोहिणी नक्षत्र में होगा, जिसके चलते ये दिन बेहद पावन माना जाता है। वैसे आप किस शहर से हैं और आपके शहर में चंद्रमा किस समय पे निकलता है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।